हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय पारिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन और इसमें बलों का समावेश। जैसे हमने लास्ट टॉपिक जो किया था श्रोडिंगर इक्वेशन का, उसमें हमने वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी। श्रोडिंगर इक्वेशन की जरूरत क्यों थी वो पढ़ा था, और श्रोडिंगर इक्वेशन का विकास किस तरीके से हुआ मैंने आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ देता हूं कि 1926 में एक ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक थे श्रोडिंगर, जिन्होंने ये बोला कि जो गतिशील कण है उससे संबंधित एक तरंग फलन होता है, और इस तरंग फलन को व्यक्त करने के लिए मुझे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हम फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत यूज करते हैं और मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन काफी हमारे काम की होती है। तो श्रोडिंगर ने बोला कि 1926 में मुझे एक कण की गतिक अवस्था से संबंधित जो वेव फंक्शन है, जो तरंग फलन है, जो स्टेट फंक्शन है, उसको प्रदर्शित करने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत है। दैट इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर इक्वेशन, जो हमने लास्ट टर्म पे पढ़ लिया था। अब उस श्रोडिंगर इक्वेशन का थ्री डायमेंशनल फॉर्म याद देखेंगे, ठीक है। तो 1D श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी, मैं आपको जरा सा ब्रीफ कर देता हूं। उसमें किसी भी कण का जो संवेग था p, इसको मैंने एल क्रॉस k से डिनोट किया था। यहां k जो था वो 2 पाई अपॉन लैम्डा था, ठीक है, तरंग संचरण सदिश बोलेंगे अभी हम इसको। और किसी भी कण से संबंधित जो ऊर्जा थी वो थी p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। और हमारा जो फलन था शाही, जिससे रिलेटेड मुझे एक इक्वेशन निकालनी थी, जिसको मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन बोला, वो डिपेंड करता था मेरी पोजीशन और टाइम पे, क्लियर। तो अब हम देखते हैं, जब ये सारा का सारा ये जो डिस्कशन है, ये अगर थ्री डायमेंशन में हो तो मेरी इक्वेशन किस तरीके से निकल के आएगी, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो थ्री डायमेंशन में हो तो मैं मेरे जो मोमेंटम है पी, उसको पी वेक्टर से डिनोट कर सकता हूं, और इसको बोल सकता हूं मैं एच क्रॉस के वेक्टर। और यहां जो मेरा ये k वेक्टर है, इसको मैं लिख सकता हूं आई कैप के एक्स प्लस जे कैप के वाई प्लस के कैप के जेड, या इसको मैं लिख सकता हूं k वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है, थ्री डायमेंशन में आ गया ये मेरा। और जो मेरा फंक्शन है शाई एक्स टी, और जिसको मैंने हल निकाला था, जिसका e की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी लिया था मैंने, इसको मैं थ्री डायमेंशन में लिख सकता हूं कि यहां मेरा जो ये सॉल्यूशन होगा ये स्टेट फंक्शन की फॉर्म में होगा r और t की, ठीक है, शाही r वेक्टर t, और ये प्रोपोर्शनल होगा मेरे e की पावर आयोटा k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा t के। और यहां जो मेरा k वेक्टर तो ऊपर मैंने शो कर दिया, और r वेक्टर होगा मेरा i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z, ठीक है। तो यहां जो मैंने मेरी फिजिकल क्वांटिटीज थी वो मैंने थ्री डायमेंशनल फॉर्म में लिख ली, ठीक है। अब जो हमने सारे के सारे कंडीशंस मैंने जब श्रोडिंगर वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन निकालने के लिए लगाई थी, वो इक्वेशन अगर मैं अब निकालने के लिए वो कंडीशंस में थ्री डायमेंशनल इक्वेशन निकालने के लिए लगाऊं, तो मेरी जो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी डेल शाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, वहां पे हमने लिया था गामा, डेल टू शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिया था, क्योंकि हम वन डायमेंशन की बात कर रहे थे, यहां थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहां लेंगे डेल टू शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू शाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू शाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। थ्री डायमेंशन में ले लिया एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और ये जो गामा था, दैट गामा इज ई आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m, ये गामा मेरा पी और ई पे डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि पी और ई पे डिपेंड करता तो मेरी जो इक्वेशन थी वो पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए चेंज हो जाती, जबकि मुझे तो मेरी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में रखना था। तो ये गामा शुड बी डिपेंड ऑन कॉन्स्टेंट, गामा कॉन्स्टेंट होना चाहिए था, तो एच क्रॉस और m पे डिपेंड कर रहा था। तो अब इस इक्वेशन को अगर अपन लिखें, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं डेल शाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू शाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर
प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, लिख सकते हैं अपन इसको इस तरीके से। और अब मैं आईटा एच क्रॉस को मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, आईटा एच क्रॉस को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मेरी इक्वेशन होगी वो क्या फॉर्म ले लेगी, देखिए जरा। तो जो मेरी ये इक्वेशन है ये फॉर्म में आ जाएगी, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, अब आयोटा एच क्रॉस, आयोटा एच क्रॉस तो आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस वन, माइनस वन मतलब माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन हो गई फाइनल इक्वेशन, क्लियर है। तो ये मेरी थ्री डायमेंशनल इक्वेशन हो गई, और इसको मैं एक और फॉर्म में व्यक्त कर सकता हूं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम। देखो यहां से मैं डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और यहां मेरा फंक्शन आ गया, ठीक है। और इसको मैं एक और फॉर्म में लिखूं यहां पे, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम, इसको मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वायर शाई। तो जो मेरी इक्वेशन आयोटा एच क्रॉस डेल शाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर शाई हो गया, क्लियर है। तो ये जो मेरी इक्वेशन है ये कहलाई मेरी थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, क्लियर है। तो अब ये थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने प्राप्त कर ली है, आगे जब मैं क्वेश्चंस यूज करूंगा क्वेश्चंस में तो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखूंगा, क्लियर है बात मेरी। तो अब हम देखते हैं यहां तक जो मैंने अपना अध्ययन किया, यहां तक मैंने जो अपने पार्टिकल की मोशन ली थी वो पार्टिकल की मोशन ली थी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, या मैं यूं कहूं कि मेरे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया मेरा या ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, अगर मेरा पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स के अफेक्ट में, ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी मोशन को अफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे पार्टिकल की मोशन को इफेक्ट कर रहा है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या मैं यूं कहूं कि अगर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन में बलों के समावेश को लूं, इंक्लूडिंग फोर्सेस करूं, तो मेरे श्रोडिंगर समीकरण कौन सा रूप ले लेगी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन व्हेन वी इंक्लूड फोर्सेस, जब मैं इंक्लूड करूं फोर्सेस को, तो पॉज करके इसको आप लिख लो, क्लियर है। अब मैं इंक्लूड करता हूं फोर्स को, मैं मान लेता हूं कि मेरा कोई कण है, पार्टिकल है, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एफ, इसको मैंने बोला है कंजर्वेटिव या संरक्षित, संरक्षित बल क्षेत्र में गति कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है मेरा ये पार्टिकल, ठीक है। अब संरक्षित बल क्षेत्र में करेगा तो क्लासिकल मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में आपको पता होगा कि जो इस पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल है ये एफ फोर्स में गति कर रहा है, तो इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान ली वी आर टी हो गई, ठीक है। और अब मैं देखता हूं फर्स्ट ईयर क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था कि फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ यू के होता है, हमने पढ़ रखा था। तो यहां इस स्टेप इस एक्सप्रेशन को काम में ले तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, या मैं यू कह सकता हूं आर टी, ठीक है। अगर मैं इसको इंक्लूड कर लू, ये मेरा फोर्स है जिसको मुझे इंक्लूड करना है, ठीक है, जिस फोर्स के प्रभाव में मेरा कण गति कर रहा है, तो अब मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन कैसी होगी वो मैं देखना चाहता हूं। तो देखो वहां पे मैंने जो अपनी टोटल एनर्जी ली थी वो ली थी E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम, लेकिन यहां पे गति जुड़ जाए के साथ साथ मेरी स्थिति जुड़ जाएगी तो हो जाएगी ना, अब वहां तो केवल गतिशील कण था जिसके ऊपर कोई बल का प्रभाव नहीं था, केवल गति जुड़ जाती, तो यहां पे मेरी गति जुड़ जाए के साथ साथ स्थिति जुड़ जा भी प्लस हो जाएगी कुल ऊर्जा में, तो
ये हो गई मेरी गति जुड़ जा के साथ में स्थिति जुड़ जा, ठीक है। और अब मैं क्या करूं, शाही ऑपरेट कर दूं, ये जो मेरा ऑपरेटर है इसके, तो ये हो जाएगा मेरा ई शाही इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी आर टी इंटू शाही, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, श्रोडिंगर इक्वेशन निकालना चाहता हूं एक्सटर्नल बल के प्रभाव में, ठीक है। तो देखो जरा, तो मैं क्या करूं, ई का वेक्टर है मेरा, आपने सबने पढ़ा होगा, आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, और पी का जो वेक्टर है मेरा वो है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, पढ़ा है ना हम सबने, तो ये वैल्यू यहां रखते हैं, तो ई की वैल्यू आ जाएगी मेरी आयोटा एच क्रॉस डेल शाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह पर क्या रखें, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी आर टी, ठीक है, इंटू शाई। तो ये हो जाएगा मेरा आयोटा एच क्रॉस डेल शाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब आयोटा स्क्वायर वापस माइनस हो गया, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी आर टी, ठीक है, इंटू शाई। और अगर अपन शाई को भी कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी शाई आर टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी शाई आर टी। तो ये जो मेरी इक्वेशन नंबर थ्री है, ये इक्वेशन कहलाती है मेरी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इंक्लूडिंग फोर्स, ठीक है। क्या कहलाती है, ये कहलाती है मेरी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इंक्लूडिंग फोर्स, ठीक है। तो फटाफट पॉज करके इसको उतारो, ये उस कण की गति के बारे में मुझे बताती है जो कण मेरा एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, एक ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिए, मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बीएससी फाइनल ईयर में श्रोडिंगर इक्वेशन आती है हमारी, एमएससी पीवीएस में भी आती है अगर आप बोलेंगे, और कुछ पार्ट इसका ट्वेल्थ का भी है तो नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। इस साल बहुत कुछ आने वाला है, हमारी वेबसाइट भी आएगी जिसपे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री में नोट्स मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं काल अनाश्रित तथा काल आश्रित, काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो अभी मैंने देखा श्रोडिंगर इक्वेशन जो मुझे मिली वो थी मेरी आयोटा एच क्रॉस डेल शाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर शाई प्लस वी आर टी शाई, ये मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन थी जिसमें इंक्लूडिंग फोर्स है, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास में कोई ऐसा फील्ड है, जनरली जो हमारी
अनेक भौतिक शास्त्र की घटनाएं होती हैं, उसमें जो स्थिति ऊर्जा होती है दोस्तों, वो केवल स्थिति का फलन होती है, ठीक है, वी आर का। तो अब ये जो इक्वेशन है, ये हमारी ऐसी घटनाओं या ऐसे फिनोमेनन्स के लिए, ये इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन हमारा ये रूप ले लेती है, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर साई, ठीक है। यहां साई जो है वो डिपेंड करता है आर और टी पे, पोजिशन और टाइम का फलन है, ठीक है, जिसको मैं वेव फंक्शन बोलता हूं, अवस्था फलन बोलता हूं। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं देखूंगा कि जब ये मेरा स्थिति ऊर्जा केवल स्थिति का फलन है, तो मैं शाही को चरों के पृथक्करण की विधि, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जो आपने सेकंड ईयर मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो यहां काम में लूंगा। तो शाही जो है मेरा वो आर और टी पे डिपेंड करता है, उसको मैं बोल दूंगा ये शाही आर फाई टी, दो फंक्शन हो गए जिसमें से एक पार्ट केवल पोजिशन पे डिपेंड करता है वाइल द अदर वन इज डिपेंड ओनली ऑन टाइम, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन जो है, इसमें मैं ये इक्वेशन में रखता हूं तो ये हो जाएगा मेरा आयोटा एच क्रॉस। अब देखो ये वाला पार्ट है तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी, यहां पे आ जाएगा मेरा शाई आर फाई टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर, यहां पर भी क्या आ जाएगा मेरा शाई आर फाई टी, ठीक है, प्लस वी आर शाई आर फाई टी आ गया मेरा। अब देखो ये केवल टी पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां पे शाई आर कांस्टेंट है, ओके। ये डेल स्क्वायर जो है ये मेरा लेप्लेसियन संकारक होता है, डेल स्क्वायर, इसको मैं क्या बोलता हूं, लेप्लेसियन ऑपरेटर, ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, दैट मींस यहां फाई टी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो देखो यहां से मैं ले लूंगा आयोटा एच क्रॉस शाई आर, मेरा कांस्टेंट आ जाएगा डेल फाई टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम, यहां पर मेरा फाई टी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, इंटू डेल स्क्वायर शाई आर प्लस वी आर, यहां भी हो जाएगा मेरा शाई आर और फाई टी, ठीक है। अब मैं क्या करूं इस पूरी इक्वेशन को शाई आर फाई टी से, शाई आर फाई टी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूं मैं तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरी शाई आर फाई टी से। तो देखो शाई आर फाई टी से, शाई आर फाई टी से डिवाइड करेंगे तो शाई आर से शाई आर कैंसिल, यहां बच जाएगा मेरा आयोटा एच क्रॉस वन अपॉन फाइव टी, ठीक है, डेल फाइव टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, यहां पे डिवाइड करूंगा मैं शाई आर फाइव टी से, तो फाइव टी से फाइव टी कैंसिल हो जाएगा, यहां बच जाएगा मेरा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम वन अपॉन शाई आर डेल स्क्वायर शाई आर प्लस वी आर, यहां पे शाई आर फाइव टी से शाई आर फाइव टी कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है ना। तो दोस्तों अब इस इक्वेशन में आप देखो कि जो आपकी एलएचएस है ये डिपेंड कर रही है केवल टी पे, और जो आपकी आरएचएस है ये डिपेंड कर रही है केवल पोजीशन पे या आर पे, ठीक है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये इक्वेशन में अगर मैं एलएचएस चेंज करता हूं या टाइम को चेंज करता हूं तो मेरा आरएचएस कॉन्स्टेंट रहेगा, और अगर मैं केवल पोजीशन को चेंज करता हूं तो मेरा एलएचएस कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस ये दोनों किसी नए कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए, और उस कांस्टेंट को मैं मान लेता हूं ई, जो अलग अलग कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए, क्लियर है ना। ये ई मेरा नया कांस्टेंट हो गया, तो मेरी अब इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम वन अपॉन शाई आर डेल स्क्वायर शाई आर प्लस वी आर इज इक्वल टू ई, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर शाई आर प्लस वी आर इज इक्वल टू, सॉरी
प्लस वी आर शाई आर इज इक्वल टू ई ऑफ शाई आर। और ये जो आपकी इक्वेशन फोर है ये इक्वेशन कहलाती है काल अनाश्रित, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म जो है वो आपकी टाइम की नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्लियर चीज, ये इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट क्योंकि इसमें कोई भी टर्म टी पे डिपेंड नहीं कर रही, केवल पोजीशन वाला पार्ट हमने अलग कर लिया मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन से, ठीक है। अब बाकी बचा दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो जरा, पॉज करके नोट जरूर करते रहना, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं मेरे सेकंड वाले पार्ट को, देखो जरा, तो ये हो जाएगा मेरा आयोटा एच क्रॉस वन अपॉन फाइव टी डेल फाइव टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ई, कॉन्स्टेंट के बराबर होगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, आयोटा एच क्रॉस डेल फाइव टी अपॉन फाइव टी इज इक्वल टू ई इंटू डेल टी। क्लियर है, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका अपन, तो ये हो जाएगा देखो आयोटा एच क्रॉस, ठीक है। अब देखो ये चीज क्या होगी, डेल ये ऐसा है डेल एक्स अपॉन एक्स डेल फाइव टी अपॉन फाइव टी, तो डेल एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ फाइव टी इज इक्वल टू इन टू टी, ठीक है। ये टर्म इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा, ये यहां पे आप कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हो, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, लॉग ऑफ फाइव टी इज इक्वल टू ये टर्म इधर आ जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा वन अपॉन आयोटा एच क्रॉस, तो ई अपॉन एच क्रॉस माइनस आयोटा ऊपर आ जाएगा टी प्लस मेरा कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट में आयोटा एच क्रॉस भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम इनिशियल कंडीशन टी पे देखते हैं, ठीक है, टी बराबर जीरो, तो मेरा लॉग ऑफ फाइव टी जीरो को मेरा कॉन्स्टेंट ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा लॉग ऑफ फाइव टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस टी प्लस लॉग ऑफ फाइव टी जीरो, ये इधर ले लू मैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ फाइव टी माइनस लॉग ऑफ फाइव टी जीरो, इसको मैं ले लेता हूं फाइव टी जीरो अपॉन में इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, और इसको मैं जब यहां सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं फाइव टी देखो अपॉन फाइव टी जीरो, ये मेरी एक्स लॉग हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल ही आ जाएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा मेरा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, या फाइव टी इज इक्वल टू फाइव टी जीरो ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, तो ये इक्वेशन मेरी फाइव हो गई, ठीक है, जो कि जो मेरा टाइम वाला पार्ट था, जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन है, टाइम वाले पार्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर मैं ये नोट कर लिया ना, देखो अगर मैंने एक चीज मानी थी जब मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स किया था, चरों को पृथक्करण किया था, शाई आर टी इज इक्वल टू शाई आर फाइव टी माना था ना, अगर मैं ये फाइव टी की वैल्यू यहां रख दूं तो ये हो जाएगा मेरा शाई आर टी इज इक्वल टू शाई आर फाइव टी जीरो ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, तो ये मेरी पूरी की पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, जिसको मैं बोल सकता हूं सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। चीज समझ में आ रही है? तो इस तरीके से दोस्तों थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने देखा, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि यह किसी भी गतिशील कण से संबंधित तरंग फलन शाई के लिए काम में ली जाती है, और जिस तरीके से हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स में काम में लिया जाता था, कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स में भी श्रोडिंगर इक्वेशन सेम रोल प्ले करती है, ठीक है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन में गुण क्या क्या है,
प्रॉपर्टी ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो मोटे मोटे यहां पे तीन से चार गुण देखे गए, पॉज करके लिखिए, लिख लो, मोटे मोटे यहां पे चार गुण देखे गए, ठीक है। तीन से चार गुण मैं आपको बताता हूं, सिंपल मैथमेटिक्स है। पहला, श्रोडिंगर इक्वेशन थी ना, ये एक लीनियर इक्वेशन थी, ये एक रेखीय इक्वेशन समीकरण थी, श्रोडिंगर समीकरण एक रेखीय समीकरण थी। सेकंड, देखो इसमें शाई का और डेल शाई अपॉन डेल एक्स का सिंगल पद आ रहा था, स्क्वायर नहीं आ रहा है कहीं भी, शाई स्क्वायर या डेल शाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर नहीं आ रहा, शाई और इसके अवकलजों का प्रथम अवकलज या प्रथम घाती आ रही है इसकी, ठीक है। तो इसके लिए हम यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम भी ले सकते हैं, किसके लिए, शाई के लिए। मेरे पास में अगर दो फंक्शन शाई वन और शाई टू हो तो मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम में लूंगा यहां, क्यों, क्योंकि यहां पे मेरा जो टर्म है वो शाई और डेल शाई और डेल एक्स ही आता है, ठीक है। तीसरा, ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है या समांगी इक्वेशन है, ठीक है। और चौथा आपको बताता हूं कि प्लेन वेव या प्लेन तरंग फलन श्रोडिंगर इक्वेशन का एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, प्लेन वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन का एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, और प्लेन वेव फंक्शन से वेव पैकेट बनता है, तो वेव पैकेट भी श्रोडिंगर इक्वेशन का एक पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। क्या बोला मैं, प्लेन वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन का एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, दैट मीन, और प्लेन वेव फंक्शन से वेव पैकेट बनता है, दैट मीन कहीं ना कहीं वेव पैकेट इज ऑल्सो अ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो वेव पैकेट इज ऑल्सो अ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, क्लियर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आपको अगर कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे आपका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।